गांधी चौक की जिस तरह से शिवांगी ने जानकारी भी दी थी, उन्होंने बताया कि वहां से जेपी अग्रवाल आगे चल रहे हैं। तपन जी, जेपी अग्रवाल तो राजनीति में बोले तो पुराने चावल हैं, मतलब काफी इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, लेकिन पिछला इलेक्शन 2 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे। इस बार प्रवीण खंडेलवाल के सामने किस तरह की फाइट आपने देखी? देखिए, जेपी अग्रवाल मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, मैं उनको जानता हूँ। एक तो आम लोगों के साथ उनका संपर्क बहुत अच्छा है, और पिछला चुनाव इसलिए हार गए थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं था। इस बार दोनों पार्टियाँ एक साथ हैं और दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, तो जेपी कहीं ना कहीं उस मानी उनका मजबूत स्थिति दिख रहा है। व्यापारियों में भी कुछ वर्ग ऐसा है जो पहले तो ये बीजेपी का समर्थक माना जाता था, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे बीजेपी सुलझा नहीं पाई थी, जैसे जीएसटी की चपेट में आने से बहुत सारे व्यापारियों का धंधा मंदा पड़ा, वो उनकी बिजनेस डाउन होने की वजह से परेशानियां बढ़ी, उसमें कहीं से सरकार ने कोई राहत नहीं दी। जीएसटी का जो 4 यानी स्टेज है, 5%, 12%, 18% और 28%, बिल्कुल ये एक मुद्दा निश्चित रूप से रहा है। मैं क्विक रिएक्शन अंशी से लेती हूँ, क्योंकि इंडिया गठबंधन हरियाणा में फिलहाल आगे चल रहा है और ये नतीजों में कितना कन्वर्ट होंगे ये तो बात का ही सवाल है। लेकिन अंशी, रोहतक की अगर मैं बात करूं, पिछली दफा बहुत कम मार्जिन था जीत का बीजेपी का, और ऐसे में अब की बार रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे, कितनी उम्मीद? नहीं, हमारी उम्मीद सिर्फ रोहतक नहीं, हमारी उम्मीद पूरी 10 की 10 सीटों पे है, और हम कह रहे हैं कि कम से कम 8 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जो जीत रहा है, जिसमें रोहतक की सीट, करनाल की सीट, जो कि जहां पर हम एक युवा चेहरा जो है, एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसको बड़ा मजबूत चेहरा बताया जा रहा था, तो एक युवा चेहरा जो नया चेहरा है वो उनको हराएगा। तमाम जितनी भी जो हॉट सीट्स की बात कर लीजिए, तमाम सीटों पर हम लोग जीत दर्ज करने वाले हैं।